जैसे कि बच्चे जो है एक टाइम पे आके जब डिसीजंस लेने होते हैं तो कई बार वो कहीं ना कहीं जैसे भटक जाते हैं तो गलत रास्ते पे चल जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे खुद को पॉजिटिव महसूस कर सके या खुद को एक एक सही डायरेक्शन दे सके, उसके लिए हम लोग क्या करें? देखिए, पहले तो ये है कि जब कुछ गलत हो जाए या कुछ चीज सही ना हो और जिससे हम अगर डिप्रेशन में चले जाएं या हम सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दें या हमें हमें लग रहा है कि पैनिक अटैक्स, एंजाइटी हो रही, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल रेजिलियंस कम है। और ये कब होता है कि जब बच्चों को बचपन से या तो गलती करने की फ्रीडम नहीं मिली होती है, या बचपन से पेरेंट्स ऐसे लगे रहते हैं कि नहीं बच गलती नहीं करो, सब सही करो, सब सही को हमेशा आपको फर्स्ट ही आना है, आपको अच्छे ही बनना है। तो बच्चे ना सुनने के लिए भी आदी नहीं है, बच्चे गलतियां करने में उनको आत्मविश्वास ही नहीं, क्योंकि देखिए गलतियां करके आप गिरोगे तो आप वहां से उठने का भी आत्मविश्वास चाहिए, वो एक लेसन है, लाइफ स्किल है। पर अगर आपने बच्चों को गलतियां ही नहीं करने दी, अगर बच्चों को गिरने ही नहीं दिया, तो उसमें से बाहर निकलने की स्किल बच्चे कैसे सीखेंगे? तो हमने आजकल बहुत देखा है कि माँ बाप बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हर चीज में माँ बाप लगे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई में, उनकी दोस्ती में, उनकी सेहत में, उनके खाने पीने में, सब हेलीकॉप्टर की तरह बच्चे के ऊपर मंडराते रहते हैं। तो क्या है कि बच्चा सब कुछ सही ही करता रहता है, कुछ गलत नहीं करता है। और ये बच्चे फिर जब पहली बार 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में गिरते हैं, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या पास फेल हो गए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उनको समझ नहीं आता कि कैसे डील करें, क्योंकि पहले कभी उन्होंने फेलियर देखा ही नहीं है। अगर 10 बार बच्चा गिरा है तो 11वीं बार उसको पता है, चल रहा 10 बार गिर चुका हूं, अभी भी मैं उठ के चला ही आऊंगा। बिल्कुल पर अगर आपने उसको गिरने नहीं दिया है, और अगर बच्चा गिरे भी तो उसमें से कैसे बाहर निकले, कैसे आत्मविश्वास बनाए रखे, कैसे उसमें से हमें सीख जो लेनी है वो लेके आगे बढ़े ताकि दोबारा हम ना गिरे, ये सब सिखाने का माँ बाप का काम है। अगर ये किया तो फिर बच्चों को फेलियर या इसकी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम बच्चों को इंसुलेट नहीं कर सकते हैं, बच्चे जैसे ही घर से निकले सब चीजें सही नहीं होगी, चीजें गड़बड़ होंगी, गलत होंगी, मुश्किल होंगी, ना सुनने को मिलेगा, आप सबसे अच्छे ऑफिस में हो फिर भी बॉस आपको प्रमोशन नहीं देगा, तो इससे क्या कर सकते? तो हाउ टू डील विथ इट, ये स्पिरिचुअलिटी भी सिखा दी है पर माँ बाप भी सिखाते हैं और हम भी सिखा सकते हैं बच्चों को ऐसे ही, कि पहले से उनको थोड़ी गलती करने की फ्रीडम दी जाए, वरना उनको बहुत प्रेशर आता है, मतलब उनको ये लग रहा है कि एक बार गलती हो गई, गिर गए तो मतलब लाइफ खत्म हो गई। ये नहीं है, लाइफ में 20 साल, 25 साल, 50 साल की उम्र में भी हम गलतियां करते भी हैं, उसमें से बाहर निकलते भी हैं, पर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे हम लोग अपनी एज में थे। हमारे पेरेंट्स को इतना फर्क नहीं पड़ता था, स्कूल चले गए पिट पिटा के आ रहे हैं जो भी है, हाँ हाँ लेकिन हम लोग कभी डिस्कस भी नहीं करते थे कि हाँ ठीक है पिट गए बहुत हो गया सब कुछ। लेकिन आज देखा जाता है, आज बच्चे जो बच्चों पे कोई अगर हाथ उठा दे तो पेरेंट्स जो है पूरा स्कूल सर पे उठा देते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ बहुत उठा गलत, है। तो ऐसे में बच्चा खुद को सेफ फील करता है या फिर एक तरह से हम लोग उसके सामने गलत एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता? देखिए जैसे हर चीज में होता है, इसमें भी बैलेंस की जरूरत है। अगर आपका बच्चा हर रोज स्कूल में पिटता है, इससे उसका आत्मविश्वास खराब हो रहा है, उसको इसकी वजह से अपने आप को वो छोटा समझ रहा है, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, उसका इमोशनल स्टेट, उसका स्वभाव बदल रहा है, तो फिर जरूर माँ बाप को बीच में आना चाहिए और बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर छोटा मोटा स्कूल में लड़ाई होती है, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई होती है, बच्चा पिटता है, पिट पिट खुद पिटवाता है, या जो भी है, छोटी मोटी चीजें हैं जहाँ पे माँ बाप को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी खुद अपनी बैटल्स फाइट करने के लिए जो है स्किल्स वो सीखेगा। तो इसमें भी एक बैलेंस की जरूरत है। मैंने जैसे क्या कहा कि आजकल इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है पेरेंटिंग के बारे में भी, कि माँ बाप बच्चे को अकेला छोड़ते ही नहीं है, मतलब हर चीज में लगे रहते हैं, मतलब दोस्त के साथ लड़ाई हो गई तो वो भी मम्मियां सॉल्व करती हैं फोन पे बैठ के, ये नहीं कि भाई बच्चों को अपने फ्रेंड के, बच्चों को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई चलो लड़ाई क्यों हुई है, आपने क्या कहा, उसको क्या लगा होगा, अभी आप क्या कर सकते हो। आप जितना बच्चों के ऊपर बॉल वापस फेंकोगे तो बच्चा उसको कैच करना सीखेगा और उसको डालना सीखेगा। तो कोई भी बच्चे का प्रॉब्लम हो, अगर वो फेल भी हुआ हो, अगर समझो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा हो, तो बैठ के पूछना चाहिए कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे देखते हो परीक्षा को,
आपको क्या लग रहा है इसमें? जब हम ये पूछते हैं तो बच्चे का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ब्रेन का सेंटर है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ज्यादा डेवलप होता है, और ये बच्चे आगे जाके ये सारी स्किल्स अपने प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। तो माँ बाप को प्रॉब्लम बच्चे का सॉल्व करने के लिए कूदना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बच्चा कितनी हद तक खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसको करने देना चाहिए, और उसको पीछे से सपोर्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछ के कि आप क्या करोगे, अभी ये हुआ है तो आप क्या करोगे, अच्छा ये नहीं तो ये कैसे हो सकता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने ऐसा किया तो सामने वाला क्या करेगा। आप जब ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चे में सोचने की क्षमता डेवलप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी बच्चों को जिंदगी भर तक।